पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले पर सुशील मोदी का बयान, कहा लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाला हमला, राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी। किसानों का आखिरी अल्टीमेटम, सरकार ने नहीं मानी बात तो रेलवे पटरियों को करेंगे ब्लॉक। मानवाधिकार उल्लंघन पर अमेरिका ने चीन समेत अन्य देशों के अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान के कोटा के केजे लॉन अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही, 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत, मचा हड़कंप। जेपी नड्डा पर हमला, ममता ने बताया भाजपा का नाटक, अमित शाह ने मांगी घटना की रिपोर्ट। कृषि मंत्री ने कहा, यूनियन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द बातचीत करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर को करेंगे कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन। कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा जेपी नड्डा पर हमला भाजपा के खिलाफ लोगों के गुस्से का नतीजा। अमित शाह का बयान, कहा टीएमसी के शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में चला गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल मार्ग होगा बहाल, 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन।